أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हमने क्यू डाटा स्ट्रक्चर की बात की थी। होप्स हो के आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड भी किया होगा और अपने तौर पर आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशंस को भी ट्राई किया होगा। आज इस सेशन के अंदर मैं आपको गाइड करूँगा कि क्यू की इम्प्लीमेंटेशन बाई यूजिंग अरे, सर्कुलर अरे के साथ आप कैसे कर सकते हैं। मैं स्टेप बाई स्टेप आपको गाइड करूँगा, बट आई थिंक सो दैट के आप लोगों ने इसको पहले अपने तौर पे एक बार ट्राई ज़रूर किया होगा। जो एरर्स, जो इश्यूज़ हैं, हम उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स भी साथ साथ इम्प्रूव हों। सो लेट स्टार्ट। हम सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं और उसके बाद अपना बेसिक पैरामीटर्स जो हैं वो अपने पूरे कर लेते हैं। आई ओ सप्रीम, और मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ QDS। मैं क्यू डी एस इसका नाम रख रहा हूँ फाइल का। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD, फिर उसके बाद इंट मेन का फंक्शन आप कॉल करते हैं। अब आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं कि आप इसको क्लासेस के थ्रू भी कर सकते हैं और आप विदाउट क्लासेस भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंटेशन विदाउट क्लासेस ही करूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो। आप उसको क्लास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, क्लास के साथ काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल है, इजी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली गाइड करने, यहाँ पे बेसिकली गाइड करने का मकसद ये है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया हो। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले अपनी एक मेन्यू बना लेते हैं जी। सो एक फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं जी, वॉइड मेन्यू का। एक मेन्यू का फंक्शन, पैरामीटर इसमें कुछ भी नहीं होंगे, ये सिर्फ सिंपली डिस्प्ले करवाएगा। सो सीआउट ENDL, मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेलकम टू क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग सर्कुलर अरे। मैं सी अरे का नाम रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ENDL मैं कहता हूँ जी प्रेस 1 फॉर इंसर्शन, और इसी तरह सी आउट ENDL प्रेस 2 फॉर रिमूवल। अब ये आपकी अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं कि आप इनको किस तरह से चीज़ों को लिखते हैं, या जो भी आपका स्टाइल है आप उसको फॉलो करें। सो ENDL स्टेप, उसके बाद आ गया प्रेस 3 फॉर फ्रंट और गेट फ्रंट एलिमेंट। इसी तरह आपके पास सी आउट ENDL, उसके बाद आपका जो इस फुल इस एम्प्टी, ये दोनों आपके उसके साथ ही काम करेंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं जी प्रेस 4 फॉर गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स आपके क्यू के अंदर हैं। इसी तरह आपके पास आ गया सी आउट ENDL प्रेस 5 फॉर एग्जिट। ओके जी, अब ये मेन्यू है, डेफिनेटली पढ़ने के बाद यूजर जो है वो इनपुट करेगा। सो हम इस मेन्यू के बाद अपना एक वेरिएबल लेके हम कॉल करवाते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले एक लूप कंट्रोल वेरिएबल मुझे चाहिए होगा। सो इंटीजर लूप कंट्रोल वेरिएबल, सो मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग अभी सेट करता हूँ 0, वाइल या मैं इसको सेट करता हूँ फिलहाल अभी 1। सो वाइल लूप कंट्रोल ग्रेटर देन 0, जब तक ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तो क्या करोगे, ये लूप चलती रहेगी। हम यहाँ पे एक वेरिएबल, हमें लोकली वेरिएबल एक और रिक्वायर्ड होगा। मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ इंट एंट्री, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी मैं सिंपली कॉल करवा देता हूँ मेन्यू। मेन्यू का फंक्शन कॉल करवाया, उसके बाद सी आउट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल एक सी इन की स्टेटमेंट चला दें और यहाँ पे आप एंट्री में स्टोर करवा लें, क्योंकि डेफिनेटली ये देखने के बाद यूज़र अपनी वैल्यू को एंटर करने की कोशिश करेगा।
सो इसको चला के देखते हैं कि अभी तक का हमारा जो काम है वो कितना सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है। सो देखें यहाँ पे वो रुक गया। सो मैं जो भी वैल्यू एंटर करूँगा, अभी तो फिलहाल ये इसके अंदर ही घूमता रहेगा, तो आप देखते जाएँ तो ये वर्कआउट कर रहा है। ओके जी, सो यहाँ तक का काम हमारा कम्फर्टेबल है। उसके बाद हम एक स्विच लगा लेते हैं इसके ऊपर, एंट्री के ऊपर, और एंट्री पे स्विच लगाने के बाद हम अपने केसेस डिफाइन कर देते हैं। केस टू, सिमिलरली केस थ्री, सिमिलरली केस फोर और केस फाइव। आई थिंक सो फाइव केसेस इसके अंदर है, ठीक है। और फाइव के बाद क्या होना है जी, आप लूप कंट्रोल को सेट कर दें ज़ीरो और ब्रेक करवा दें। इसी तरह ये ब्रेक स्टेटमेंट हर एक केस के बाद भी आएगी। सो केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर और फाइव के बाद आपका लूप कंट्रोल ज़ीरो हो जाएगा। डेफिनेटली जब ज़ीरो होगा तो वो लूप से उसको बाहर ले आएगा। सो चेक करते हैं जी हमारा फाइव वाला मेथड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखें जी फाइव पे एग्जिट कंट्रोल काम कर रहा है। ओके जी फाइन, हम इसके अंदर एक और लाइन ऐड करना भूल गए थे। डेफिनेटली जब हम अरे बना रहे हैं तो हमें साइज उसका बताना पड़ेगा साइज। तो सबसे पहले कर देते हैं जी प्रेस वन फॉर सेट साइज, ठीक है जी, कि साइज सेट करने के लिए वन प्रेस कर दें। सो इसी तरह नेक्स्ट हो जाएगा टू, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा थ्री, नेक्स्ट फोर, नेक्स्ट फाइव और दिस वन इज सिक्स। तो हम यहाँ पे ये काम करवा देते हैं सिक्स के ऊपर और यहाँ पे एक केस और डिफाइन कर लेते हैं फाइव के नाम से। सो यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट कॉल करवा। ओके जी, सो सिक्स केसेस इसके अंदर अवेलेबल हैं। और इसके बाद डिफॉल्ट केस भी लगा देते हैं कि यूज़र अगर गलती से कोई और वैल्यू एंटर करता है। सो डिफॉल्ट केस के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली बता देते हैं ENDL incorrect option please choose correct option। सो जी उसके बाद हम इसको भी ब्रेक करवा देते हैं जी। सो जरा चेक करते हैं कि जी यहाँ तक का फंक्शन हमारा प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो देखें जी वेलकम टू क्यू है, सेट साइज इंसर्शन रिमूवल। तो मैं एट इसके अंदर प्रेस करता हूँ, ठीक है जी, इनकोरेक्ट ऑप्शन है। आप दोबारा एक बार ट्राई करें जी, सिक्स पे ये एग्जिट कर रहा है। ओके फाइन, सो लेट स्टार्ट विद द साइज ऑफ सेटिंग द साइज ऑफ अरे। तो पहले हम साइज सेट करते हैं, उसके लिए हमें एक अरे चाहिए होगी। तो मैं पहले अरे डिक्लेयर कर लेता हूँ इंटीजर टाइप की, आप कह लें जी क्यू अरे, और इसका जो साइज होगा वो साइज नाम से ही होगा।